तो आज के जो टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट आरएसए एन्क्रिप्शन, आरएसए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूजिंग .NET कोर. तो तरीकाकार ये है कि मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ. एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है, आरएसए की स्पेसिफिक्स क्या हैं. फिर हम एक डेमो सेशन करेंगे जिसमें मैं कोड लिखता जाऊंगा और हम देखते जाएंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना होगा इसको इम्प्लीमेंट करते हुए. तो अगर हम इसको साइंटिस्ट या इंजीनियर बन के देखें तो बहुत सारी मैथमेटिकल डिटेल्स हैं जो कि समझने की जरूरत है, प्राइम नंबर्स और फैक्टराइजेशन और ये सब चीजें. ठीक है, तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे आज. बीइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम लिख रहे हैं, जो उसके अंदर जब हमें सपोर्ट डालनी है आरएसए की, तो हम कैसे डालेंगे, कोड के एस्पेक्ट्स क्या हैं, ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी की चीजें क्या हैं, वो कंसिडर करेंगे. ठीक है, और आखिर में फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे अगर उस डेमो से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है. क्रिप्टोग्राफी के बारे में तो सबको पता है, राइट, कि आप जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फीचर होता है जो कि आप आजकल की डिजिटल एनवायरनमेंट में आपके लिए जरूरी है. अब वो डिफरेंट तरीके से अचीव हो सकती है. आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं दो तरीकों से, दो मेन तरीके हैं. एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं और दूसरी पूरी दुनिया जो है वो एसिमेट्रिक है. इन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन हम उसको कहते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ कीज होते हैं, जिसमें आपके पास एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है, एज अपोज टू सिमेट्रिक की एल्गोरिदम जिसके अंदर एक ही की होती है. तो जब आपको एनक्रिप्ट करना है तो आप उस की से एनक्रिप्ट करेंगे, डेटा सेंड करेंगे, जो रिसीविंग एंड पे जिसने डेटा रिसीव किया है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, वो उसी उसके पास भी वही की मौजूद है और वो उसे उसको डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट निकाल सकता है. अब इसके अंदर प्री रिक्विजिट ऑब्वियसली ये है कि जो की है, जो शेयर्ड है, वो सीक्रेट होनी चाहिए. नहीं, जिन दो पार्टीज को कम्युनिकेट करना है उनके दरमियान, सिर्फ अजम्पशन ये कि सिर्फ उन दोनों को पता है ये की, और दरमियान में कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिसको ये पता है, तो फिर हम इसको इस कम्युनिकेशन को सेफ कंसिडर कर सकते हैं. दूसरे एंड पे कुछ केसेस में होता है कि आपको जो है वो की शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता, या आप जो की शेयर करने का मैकेनिज्म है वही अनसेफ होता है. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एसिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसमें हम कहते हैं मेरे पास जब भी मैं किसी से कम्युनिकेट करूंगा तो मेरे पास एक पेयर ऑफ कीज होगा, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी. तो और जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बेसिकली दो पेयर्स मौजूद है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसमें यही नजर आ रहा है कि दो लोग जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक एलिस है और एक बॉब है, दोनों के पास दोनों की है, दोनों की अपनी प्राइवेट की है और दोनों की अपनी पब्लिक की है. अब जो पब्लिक की है उसके नाम से मतलब है कि वो शेयरेबल है, वो दुनिया को मिलती है, जिसको यूज करके लोग एनक्रिप्ट कर सकते हैं. तो जब भी कोई शख्स, जब भी कोई एंटिटी मुझे डेटा भेजेगी तो वो मेरी प्राइवेट पब्लिक की को यूज करके उसको एनक्रिप्ट करेगी, और मैं जब उसको रिसीव करूंगा तो मैं अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करूंगा. तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई पब्लिक की सबको पता है, हर कोई जो मुझसे बात करना चाह रहा है वो मेरी पब्लिक की जानता है, वो उसे एनक्रिप्ट करेगा. अब क्योंकि मेरी प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास है, तो सिर्फ मेरे पास ये पावर है कि मैं उसको डिक्रिप्ट करके एक्चुअल मैसेज निकाल सकता हूँ. ठीक है, तो क्या हुआ कि मुझे जो है ना वो डेंजरस की एक्सचेंज नहीं करना पड़ा, मैंने पब्लिक की दे दी जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जिसके पास मर्जी हो, मुझे कोई मसला नहीं है. बट वंस उस की को यूज करते हुए किसी ने डेटा एनक्रिप्ट कर दिया, अब वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता सिवाय मेरी प्राइवेट की के, जो मेरे पास है वो सीक्रेट है, वो किसी को नहीं मिलती. तो इसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि पब्लिक की प्राइवेट की पेयर बनता है. तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो यही है कि एलिस को जब भेजना है, बॉब को डेटा भेजना है, तो बॉब की जो पब्लिक की थी वो एलिस को पता थी, उसने प्लेन टेक्स्ट निकाला, उसको एनक्रिप्ट किया हुआ, एनक्रिप्ट करने के बाद जो साइफर टेक्स्ट बना है वो अब बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता. ठीक है, ये चीज क्यों गारंटीड है, ये चीज अभी हम बेसिकली ये सब गारंटीड है कि हम ये कह रहे हैं कि ये वन वे, ये जो फंक्शन होते हैं इनको रिवर्स करना कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है. तो वो फिर वो साइंस पूरी आ जाती है कि जी प्राइम नंबर्स होंगे और प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन होगी, और
इतना बड़ा प्राइम नंबर ले आओगे कंप्यूटर जो है ना वो सदियों लगा दे उसको फैक्टर निकालने में। तो बेसिकली जो कीज होती हैं एंड टर्म इन मैथमेटिकल टर्म्स, वो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं जिसको यूज करके हम नंबर्स के ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं और उसे हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द एल्गोरिदम लाइज इन कि जी ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ऑफ रिवर्सिंग द साइफर टेक्स्ट बैक इनटू द प्लेन टेक्स्ट विदाउट नोइंग द की, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो आप सुपर कंप्यूटर लगाएंगे और सुपर कंप्यूटर को जो है ना वो 100 साल लगेंगे एक 4096 बिट की यूज करके एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिकोड करने में, तो प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है, राइट? बट ओवर टाइम कंप्यूटेशन पावर इंप्रूव हो जाती है और कंप्यूटर्स फास्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एक बैरियर है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो जब आर एस ए शुरू हुआ था तो वो 128 बिट की स्ट्रेंथ की बात करते थे, फिर जो है वो करते करते आजकल जो वाइडली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड है वो 4096 के इससे ज्यादा है। कहते हैं कि इससे ज्यादा आप करेंगे 4096 बिट की स्ट्रेंथ रखेंगे तो स्ट्रांग है, वरना वो ब्रेक होने के चांस है, ठीक है? तो कीज की ये नेचर होती है। तो अच्छा, इसके बाद कीज के बारे में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आप कीज दो तरीके से आप बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। एक तो होता है स्टैटिक, इसका मतलब है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि दी मेरी एक पब्लिक की है और प्राइवेट की है, पब्लिक की मैंने दुनिया के साथ शेयर कर दी है, ठीक है? अब सबके पास वो सेव्ड है, जिसको चाहिए वो उसको यूज करेगा और वो उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है? उसको हम स्टैटिक कहते हैं। वो कीज जो है और सर्टिफिकेट जो है वो कभी कभी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज भी देती हैं, तो वो उधर से भी जो है ना ऑथेंटिकेटेड होती है। बट इसका दूसरा तरीका ये है कि फॉर द सेशन फॉर द ट्रांजैक्शन मैं सिर्फ एक टेम्परेरी की पेयर बनाऊं और सिर्फ उस सेशन के लिए यूज करूं, ठीक है? तो वो जो है वो इफेमेरल कीज कहलाती है, जो कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए एक मैसेज भेजने के लिए हो सकती है। तो एक तरीका ये कि जब भी मैं मैसेज भेजूं मैं एक नई सेट ऑफ कीज कैलकुलेट करूं और उसके बाद उसको शेयर करूं और उससे काम करूं और उसके बाद अगले सेशन के लिए दोबारा नहीं, फिर दोबारा नहीं, फिर दोबारा, ठीक है? तो डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। मोस्ट केसेस में जो है वो सीक्रेट कीज को शेयर करने के लिए एसिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज किया जाता है, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो है, तो रेगुलर कम्युनिकेशन आप जो है वो उसके साथ करना जो है ना वो प्रेफर नहीं करते। की एक्सचेंजेस हो गए, ऑथेंटिकेशन हो गए, इस तरह की चीजें जो हैं, या ऑनबोर्डिंग कॉल्स होती हैं जी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहे हैं जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जा रही है जो कि आपने वैलिडेट करनी है, वो फिर आप एनक्रिप्ट एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन करके भेजेंगे। अच्छा, आखिरी कंपोनेंट इसका है स्ट्रेंथ ऑफ द एल्गोरिदम। इन बेसिक टर्म्स जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द की के ऊपर, जितने ज्यादा बिट्स की होंगी उतना मुश्किल होगा उसको रिवर्स इंजीनियर करना, उसको वापस बैकट्रैक करके प्लेन टेक्स्ट पे लगाना, ठीक है? बट इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं किसी भी एल्गोरिदम की स्ट्रेंथ को मेजर करने के ये इसका डीप जनरल नाम है इफेमेरल। तो इसका क्या बताया था आपने? इसका मतलब ये टेम्परेरी है, ये पर सेशन बेसिस पे आप जनरेट कर सकते हैं, पर सेशन या पर ट्रांजेक्शन या पर मैसेज, फिक्स नहीं है, ठीक है जी? तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, थ्योरेटिकल ओवरव्यू एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। क्वेश्चंस जो है मेरे ख्याल है अगर आप लोग लिख लें और आखिर में हम लोग डिस्कस करें तो सबका टाइम बचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आए जी, ठीक है, थ्योरी तो मौजूद है और हमारे पास एल्गोरिदम भी मौजूद है, बट इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एल्गोरिदम्स चाहिए, उनको कोड करने के लिए पूरा एक उसका एक क्या कहना चाहिए, सूडो कोड होगा जो, और उसकी लॉजिक डिफाइंड होगी जब भी आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो एक एल्गोरिदम है आरएसए का, जो कि ये तीन साहिबान है, रिवेस्ट, शामिर और एडलमैन, इन्होंने सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं इजाद किया बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, ठीक है? उसके बाद उसको प्रूव किया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, और आजकल अब तक ये अपनी एक कंपनी चला रहे हैं जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी बैकबोन किसी जमाने में यही एल्गोरिदम्स हुआ करते थे। बट अब ऑब्वियसली सिक्योरिटी का मतलब बहुत कुछ है इसके अलावा, तो ये और भी कुछ चीजें करते हैं। तो आरएसए जो है एक ऐसा सिमेट्रिक एल्गोरिदम है जो कि वाइडली यूज है और कोई बहुत नई चीज नहीं है। 1977 में जो है ना वो आरएसए ने उसको किया था, और इवन कहते ही है कि उससे पहले 1973 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सिमिलर चीज इंप्लीमेंट करके अपने सिस्टम में यूज की थी। फिर पता नहीं कितने सालों बाद जब उन्होंने जो है वो ये पब्लिक की इन्फॉर्मेशन, तो पता चला अरे ये तो वही एल्गोरिदम था जो कि आरएसए ने इंप्लीमेंट किया था, बट ये इन्होंने छुपा के रखा हुआ, ठीक है? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सारे सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आगे होते हैं इन मामलों में, ठीक है? कभी कभी पीछे भी हो जाते हैं, बट इस केस में ये
ये चीजें नजर आई थी। तो ये एक पुराना स्टैंडर्ड है, इसको ओवर टाइम लोगों ने इम्प्रूव किया, इस एल्गोरिदम को इसको फास्ट बनाने की कोशिश की, इसे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। तो ये काफी वाइडली यूज भी रहा, ठीक है, और सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बन गया, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि जी सिक्योरिटी क्या है, आपके इनक्रिप्शन की गारंटी क्या है कि कोई इसको डिकोड नहीं कर पाएगा, कोई इसको रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है जी आपकी की स्ट्रेंथ पे, जो कि बताती है कि कितने बड़े प्राइम नंबर्स हैं जिनको मैं यूज करके मैं कीज बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो पूरी कहानी है जी, प्राइम नंबर, उसकी फैक्टराइजेशन और ये सब चीजें, ठीक है, हम उस पर नहीं पढ़ रहे। आरएसए का दूसरा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा स्लो है ये, तो स्ट्रीमिंग कम्युनिकेशन या ऑनगोइंग कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको ये तकलीफ दे हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस पे हिट करेगा। तो ऐसी जगह भी यूज करें जहां पे वन ऑफ यूज करना है, या जहां पे परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है, कीज एक्सचेंज करने के लिए, या आपको डिजिटल सिग्नेचर्स बनाने के लिए अगर आपको यूज करना है, तो वहां पे सेंस बनती है कि सारी चीजें आप यूज करें। और तीसरी एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि हैंड ऑफ और हैंड ओवर वाली चीजें तो है विद इन द एपीआई, विद इन एपीआई एंड एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो अब जब हम .NET में इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, .NET कोर में, तो .NET कोर फ्रेमवर्क के अंदर इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन दे दी है इसकी, ठीक है। तो जैसे बाकी लाइब्रेरी के फंक्शन हैं, जिस तरह आप हैश निकाल सकते हैं, जिस तरह आप AES कर सकते हैं, जिस तरह आप MD5 निकाल सकते हैं, उसी तरह आप RSA भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़े से उसकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी है बेसिकली, और उसका फ्लो समझना है, और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स इशू नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने इसमें हाइड कर दी है, वो जो सारी चीजें मैं कह रहा हूँ वो तो इसके अंदर हाइड होगी। हम तो एसेंशियली एक लाइब्रेरी यूज करें और उसको यूज करने का तरीका देखा है, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद मैंने कुछ इसमें एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए जो कि आपको कंसिडर करने होंगे जब आप इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम में आप RSA को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और बढ़ते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से चलता है। तो हमारे डेमो क्या करेगा, हमारे डेमो एक सिंपल कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी जो कि टेक्स्ट इनपुट लेगी, बेसिकली पहले की जनरेट करेगी, ठीक है, प्राइम एक की पेयर जनरेट करेगी, फिर एनक्रिप्ट करेगी और उसको डिक्रिप्ट करेगी, ठीक है। तो हम उसका कोड देख लेंगे किस तरीके से चलता है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर कोई थ्योरी अंडरस्टैंडिंग का कोई क्वेश्चन है तो कोई किसी को पूछना है तो पूछ लें, जब तक मैं विजुअल स्टूडियो का नया सोल्यूशन बनाता हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, मुझे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है यूजिंग .NET कोर, इसका नाम है डेमो, ठीक है, मुझे इसको फोल्डर बनाना है। सही जनाब, तो ये मेरा स्टैंडर्ड हेलो वर्ल्ड कंसोल बेस एप्लीकेशन बना दी, मैं इसको बिल्ड करके एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं है, और अपेरेंटली कोई मसला नहीं। राइट, तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें चाहिए, कभी भी हमें एनक्रिप्शन करनी, सबसे पहले तो हमें हमारा की पेयर चाहिए होगा, मेरी पब्लिक की क्या है, मेरी प्राइवेट की क्या है, ठीक है। ऑनलाइन टूल्स मौजूद है जो रैंडम कीज जनरेट करते हैं, तो अगर आपको सीधे सीधे प्लग इन करना है किसी जगह पे और आपको खुद जनरेट करने की आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास जरूरत नहीं है, तो आपके पास आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा वो की जो है ना जनरेट करके देते हैं, वो फिर आप अपने पास फाइल में सेव कर लें और उसको यूज कर लें, तो आपको जो है एक्चुअली जनरेट करने की जरूरत है नहीं। बट हम स्टार्ट ऐसा करते हैं कि हम अपनी कीज भी खुद ही जनरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी एक क्लास बनाता हूँ, कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये मेरी क्लास मेरे पास आ गई। मुझे इसके अंदर
एक पब्लिक मेथड बनाना है, राइट, जनरेट कीज, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको मैं दो दो पाथ दूंगा। बेसिकली हम चाह रहे हैं हम कीज जनरेट करें और हर हर की अपनी अपनी फाइल में सेव करें, प्राइवेट की में सेव कर दें, एक फाइल बने और एक पब्लिक की बने, ठीक है। मैं दो नाम पे जल्दी ले रहा हूँ, की फाइल नेम, ठीक है, और क्योंकि हम काहिल हैं तो हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और ऐसे के दोबारा से लिखें, और दो फाइल मुझे चाहिए होंगे इसके अंदर, और मैं इसको कॉल कहाँ से करूंगा, मैं इसको यहाँ से कॉल करूंगा, मेरी क्लास क्या है, RSA implementation, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि RSA dot generate keys, ठीक है। अब मुझे दो की जनरेट नहीं, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की क्या है, प्राइवेट की के लिए आपको एक पास देना है और पब्लिक की के लिए ऐसी सी के मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, तो /, private.key, सही है। अच्छा यहाँ पे मैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल है और सी शार्प है, तो मुझे /2 दो देने पड़ेंगे, या फिर मैं @ लगा दूंगा उसको, वो लिटरली कर। पहली की मेरी प्राइवेट की है, दूसरी की मेरी पब्लिक की है, ठीक है। अब ये अंदर, अब हम इसे कॉल में जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से इसको लिंक अप कर दिया है, मैं अंदर जाऊँगा F12 दबा के। अच्छा अब यहाँ पे असल कहानी शुरू होती है, तो यहाँ पे मैं की जनरेट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं काम करूँगा, मैं कहूँगा कि RSA इज इक्वल टू, अच्छा बजाय इसके कि हम वो करें, हम एक और मेथड बना लेते हैं, RSA, तो ठीक है, अच्छा कहता हूँ क्या, जरा मेरा ये एक मेथड तो जनरेट करके दे, ठीक है, इसे मेथड जनरेट कर दिया। और इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूंगा सीधे सीधे एक RSA टाइप का, अभी RSA को नहीं जानता, system.security.cryptography की नेम से इसमें पाया जाता है, ठीक है, तो करा दिया। फिर मैंने कहा कि RSA डॉट मेन चीज जो मैं पेयर बेसिक जो मैं सेटअप करनी, और चीजें भी सेटअप कर सकते हैं जब भी हम ये अलग मेथड बना रहे हैं, बट आज के डेमो के लिए इतना काफी है कि हम सिर्फ इसको की साइज बता सके। की साइज क्या है तुम्हारा, 4096, ठीक है। एक्चुअली यहाँ नहीं डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि भाई मेरा जो है ना वो एक नंबर वेरिएबल है, वो बताएगा, और फिर मुझे यहाँ से रिटर्न करना है। अच्छा यहाँ पे और आप चीजें सेट कर सकते हैं, जैसे पैडिंग है और सेकिंग इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेट है, अच्छा मैंने कहा ठीक है। तो पहला काम मैंने किया, मैंने एक मेथड बनाया जिससे ये इनिशियलाइज करा, तो मैं बाद में भी इसको यूज करूंगा इसी मेथड को दूसरे काम करने के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका एक इंस्टेंस, ठीक है, पैसे यूज नहीं करते, पैसे करते हैं यूजिंग बना रहे, ताकि मुझे जो है ना वो स्कोप की टेंशन ना लेनी पड़े। RSA इज इक्वल टू, ठीक है,
ये गलती है कर दी। ये ऑब्जेक्ट जैसे मुझे जो मुफ्त में जनरेट करके दिया था ना सर, ऑब्जेक्ट कर दिया था मैं इसको, वो कर दूंगा आर एस ए कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आर एस ए ऑब्जेक्ट इनिशलाइज करने के बाद हम कह रहे हैं कि हमें जो है ना एक फाइल बनानी है और उसके अंदर प्राइवेट की और पब्लिक की राइट करनी है। ठीक है, तो मैं एक फाइल का एक और यूजिंग ब्लॉक बना देता हूँ जल्दी से, यूजिंग ठीक है। तो अभी फाइल पे भी रोएगा system.io। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे प्राइवेट की जनरेट करनी है, तो मैंने इसको कहा कि भाई इस नाम की तरह एक फाइल जनरेट करो। इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे फिर एक यूजिंग और लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जो मैंने स्लाइड में जिक्र किया था कि आपके पास जो कीज होती हैं उनके इनकोडिंग के फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टैंडर्ड कॉमन फॉर्मेट है वो PEM फॉर्मेट है, जो कि एसेंशियली उस की Base64 रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, की का मतलब क्या है, वही वो नंबर जिन पे फैक्टोरियल लगने हैं और जिन पे जो है वो पावर लगनी है वो सब। ठीक है, थीके? तो बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से की एक स्ट्रिंग है जो कि Base64 एनकोडेड फाइल से निकला जाएगा। ठीक है, तो उसको रीड करने के लिए मैं बजाय इसके मैं अपनी मेहनत करूं, यहाँ पे मैं मेरे पास एक अच्छा सा एक पैकेज है, हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो var इक्वल टू न्यू राइटर को बोलते हैं हम। अच्छा, ये मैं समझाता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली पैम राइटर को ये नहीं जानता, तो हम क्या करेंगे, हम पैकेज में जाएंगे डुप्लीकेट पैकेज के अंदर और इसको इंक्लूड करेंगे टूल्स पैकेज मैनेजर। ये किस नाम से है, ये है पेम यूटिल्स के नाम से एक पैकेज है, जो क्या करेगा, जो पेम फाइल्स की मैनेजमेंट होती है ना वो करता है। ठीक है, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। सही हो गया। अब इसको क्या मसला है, इसको मसला ये है कि ये यूजिंग नेमस्पेस पेम यूटिल्स नहीं, यूटिल्स की नेमस्पेस लगा दी। ठीक है, अभी बता दें, तो बेसिकली क्या कर रहा है, पेम राइटर आपको इनेबल कर रहा है कि जो भी आपकी चीज है उसको PEM फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के सेव करके सेव करने के काबिल बना दे। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए RSA क्रिप्टो प्रोवाइडर से जो मुझे कीज जनरेट करनी है वो मुझे इस फाइल में सेव करनी है। तो फाइल मैंने क्रिएट की, फिर पेम राइटर को बोला कि भाई आप जो वो कर रहे हो, की जनरेट कर रहे हो वो इस फाइल में डालना। ठीक है, तो राइटर खोला मैंने, और फिर मैंने PEM को बोला डॉट राइट प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट की और पब्लिक की में वैसे भी फर्क है। ठीक है, डिफरेंट, अभी हम देखेंगे जो जो चीज जनरेट होती है उनमें फर्क होता है, डिफरेंट चीजें होती है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो है एक फाइल खोल रहा है जिसके अंदर मेरे RSA के इस ऑब्जेक्ट के अंदर से जब इनिशलाइज हुआ था तो उसने अपनी की पेयर जनरेट कर दिया था ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली। वो की पेयर अब मैं जो हूँ वो परसिस्ट करना चाह रहा हूँ फाइल में, तो मैंने यहाँ पे जो है ना कहा कि भाई प्राइवेट की के अंदर प्राइवेट की सेव कर दो। सही है, अब क्या करें, अब इसी तरह एक और पब्लिक की के लिए भी ब्लॉक बना देते हैं, वैसे वो कॉपी करूंगा क्योंकि अगेन काहिली से बहुत सारे फायदे हैं। और मैंने इसको चेंज करके मैंने कहा कि ये प्राइवेट की नहीं है, पब्लिक की का फाइल नेम है, मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने कहा कि डॉट राइट राइट पब्लिक की। ठीक है, इसी में से निकाल, तो अब जो की पेयर जो उसने जनरेट किया अभी इन मेमोरी, अब वो हमारे पास फाइल में आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको यहाँ से कॉल ऑलरेडी कर सकते हैं, तो बिल्ड करके देख लेने चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर सो रन करते हैं। बिल्ड हो गया, अब रन कर दो। ठीक है, तो ये देखो इसे इतनी देर लगा है की जनरेट करने में, मेरे पास कोर i7 है और बहुत सारी मेमोरी है। ठीक है, लेकिन ये एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव ऑपरेशन है जिसको रिसोर्सेज चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या किया, हमने क्या कहा था कहाँ डालना है भाई, इस जगह पे ये फाइल डालना है,
फोल्डर ओपन करूं, तो मेरा क्रिप्टो का फोल्डर बना, मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, तो दो फाइल्स बनी मेरे पास, एक प्राइवेट की फाइल, एक पब्लिक की फाइल। पब्लिक की फाइल मैं सारी दुनिया को भेज दूंगा और प्राइवेट की मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। अब वो संभाल के रखने का मतलब जो है वो बहुत सारी चीजें, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर भी हो सकता है जो कि इसको मेंटेन करता है, आप किसी सिक्योर डेटाबेस में इसको रख सकते हैं, आप इसको किसी इन मेमोरी डेटाबेस में रख सकते हैं। सब चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन है और कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो ये करके अब समझ के मत छोड़ने के भाई मैंने तो जो है ना उसको सेव कर दिया, अब मेरे पास किसी का एक्सेस नहीं है। तो इसको कंसिडर करना है, इसको रिव्यू, इसको इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्चुअली की स्टोर बना रहे हैं कि क्या आपके सिस्टम के लिए क्या अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो पब्लिक की से शुरू करते हैं। पब्लिक की जो मैंने बनाई ठीक है, तो बड़े अच्छे से फॉर्मेटेड तरीके से की बना दी, इसमें लिख भी दिया है कि जी बिगिन पब्लिक, पब्लिक की है ये, और ये एक जो भी मेरे नंबर से उनकी ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह मेरी जो प्राइवेट की है वो इससे लेंथ में काफी बड़ी होती है और इसमें मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, तो वो सब कंबाइन करके इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम आपको जब नजर आएगा तो आप पहचान जाएंगे कि भाई ये प्राइवेट की पब्लिक की, क्योंकि इस तरह की इनकोडिंग है। और आमतौर पर ना प्राइवेट की के अंदर इस तरह के उसके जो प्रीफिक्स होते हैं ना वो ऐसे ही होता है, एम आई आई जे, एम आई आई के, ऐसा करके चीजें होती है। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही होता है, तो टेक्स्ट देख के भी आप जो है ना वो पहचान सकते हैं कि भाई ये कौन सी की है और किस एल्गोरिथम की है। ठीक है, तो ये कीज हमने जनरेट करी। अब हम जो है स्टैटिक मोड में काम करें, हम कह रहे हैं कीज हम एक दफा जनरेट कर लेते हैं और फिर हम उनको यूज करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो अभी इसको हम जनरेट करते रहने देते हैं और हम अपने पास अपने मेन मेथड में आते हैं। अब हमने क्या करना है, कीज जनरेट हो गई, अब बेसिक काम, मेन काम मुझे जो है वो टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करना है और डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम एनक्रिप्शन का मेथड बनाते हैं। हम कहते हैं कि मेरा एक पब्लिक मेथड है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा एनक्रिप्ट के नाम से, उसको मैं क्या पास करूंगा, उसको मैं स्ट्रिंग भेजूंगा प्लेन टेक्स्ट और उसको मैं स्ट्रिंग भेजूंगा मेरी जो पब्लिक की है, क्योंकि मैं इनक्रिप्ट करता हूं तो मैं हमेशा अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता हूं। यानी बेसिकली मैं जिसको भेज रहा हूं, जो जो मेरा कम्युनिकेशन पार्टनर है उसकी पब्लिक की मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दो अलग फंक्शन है, दो अलग जगह कौन होंगे, इनक्रिप्ट सेंडर कॉल कर रहा होगा और डिक्रिप्ट रिसीवर कॉल कर रहा होगा। स्ट्रिंग पब्लिक की फाइल नेम, ठीक है, और इसको आप क्या चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए अगेन वही आर एस ए का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर एस ए इज इक्वल टू गेट आर एस ए क्रिप्टो प्रोवाइडर। ठीक है, बट यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं हो, क्यों, क्योंकि अब हम नया जनरेट नहीं कर रहे, हम बेसिकली उसको एक की पास कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई अब आप ये, मैं इनिशलाइज कर रहा हूँ आर एस ए का ऑब्जेक्ट, बट इसको ये वाली पब्लिक की यूज करनी है फॉर एनक्रिप्शन और ये वाली प्राइवेट की यूज करनी है फॉर डिक्रिप्शन, तो मुझे आरएसए को इनिशियलाइज करते वक्त बताना होगा। तो इसी का हम जो है ना एक क्विकली इसका एक ओवरलोड बना लेते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाया था प्रोवाइडर का। ठीक है, और हम इसे कहते हैं कि भाई अगर आप जो है ना वो मुझे स्ट्रिंग, अच्छा की ये जो लाइब्रेरी है ना ये प्राइवेट और पब्लिक की को दोनों को हैंडल कर लेगी, तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं प्राइवेट की लोड करूंगी या पब्लिक की लोड करूंगी, खुद ही डिटेक्ट करके खुद ही सारा काम कर लेगी मुझे। तो मैं उसका एक ओवरलोड बनाता हूँ, जब ये एम टी के साथ कॉल होगा तो मुझे सीधे सीधे क्या करना होगा, ये काम करना होगा जो मैं पहले करता था, जो कि क्या था, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया उसे की साइज सेट की और हो गया काम। तो ये आर एस ए का ऑब्जेक्ट बना लो और चेक कर लो, बस इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, कौन से वाली स्ट्रिंग, अगर ये एम्प्टी है इसका मतलब है मैंने वो वाला ओवरलोड कॉल किया जिसमें फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करता हूँ कीज जनरेट करता है, तो मेरे पास और कुछ नहीं करना है और उसके बाद इसी के अंदर से मैं इसके बाद में रिटर्न कर दूँ। और अगर ये नहीं है, यानी कि एक्चुअली कोई की फाइल का पाथ पास हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं वही सारा काम करूँगा। ठीक है, अब मुझे फाइल एक ओपन करनी है, उसको रीड करना है, उसमें से की निकालनी है और उसको आर एस ए को देना है। ठीक है, तो ये मैं जरा काम जरा क्विकली कर दूँ क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड था।
ठीक है, यूजिंग डेटा इक्वल टू फिर फाइल से मैं ओपन करूंगा फाइल डॉट ओपन फॉर रीड, ठीक है, और इसको मैं फाइल का नाम दे दूं इसके अंदर मैंने एक और यूजिंग लगाना है थिंक। अब पीएम की बात आती है, फाइल तो मैंने रीड कर ली बट मुझे पीएम में कन्वर्जन करनी है, ठीक है, उसको समझना है कि पीएम में जो मुझे मिला है वो है क्या, ठीक है, इक्वल टू न्यू पीएम। अब इस दफा मैं पीएम रीडर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रीड करना है, और मैं किसमें डालूंगा डेटा, मेरे जो की डेटा वाला वेरिएबल है उसमें जाना है, इसमें डाल दो, और इस ब्लॉक के अंदर मुझे क्या करना है, और ऐसे पैरामीटर्स, तो हम ये सारे पैरामीटर्स हमारे, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, m डॉट रीड हमारे से की, m डॉट रीड आर एस ए की का मेरे पास नहीं आ रहा है, फिर मैंने कहा कि rsa डॉट इम्पोर्ट पैरामीटर्स करो, और इसको क्या पास करेंगे हम, rsa पैरामीटर्स, ठीक है, और आखिर में इसको रिटर्न तो करना ही है मेरा rsa का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये ओवर ये मेथड क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जी अगर मैं एम्प्टी कॉल करूंगा तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देना, अगर मैं इसको पास देता हूँ किसी को तो वो वाली की लोड करके और फिर मुझे रिटर्न करना, ठीक है। अभी हमारा सॉर्ट ऑफ एक जनरल फंक्शन बन गया जो हम पब्लिक की प्राइवेट की दोनों के लिए यूज करेंगे। अब हम गए वापस अपने एनक्रिप्ट के फंक्शन के अंदर, कहा कि भाई अच्छा इसको भी यूजिंग करो, यूजिंग बार आर एस ए इज इक्वल टू गेट ये वाला प्रोवाइडर, बट अब ओवरलोडेड, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पब्लिक की लोड करूँ उसको एनक्रिप्ट करके, क्योंकि ये स्टैटिक हम स्टैटिक अप्रोच यूज करें ना, तो कीज मेरे पास सेव्ड है, हर दफा वही की यूज होनी है जो जनरेट हुई थी, ठीक है। मैंने कहा कि भाई अब इनिशियलाइज करो दोबारा से आर एस ए का ऑब्जेक्ट, उसको ये इसके अंदर ही पब्लिक की लोड कर दो, और मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूज करके अब अपना डेटा जो भी मैंने प्लेन टेक्स्ट रिसीव किया उसको एनक्रिप्ट करूंगा। बेसिकली ये थ्री स्टेप प्रोसेस है, जो डेटा मुझे मिल रहा है मैं उसको एक बाइट्स की एरे में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को दूंगा कि भाई इसको एनक्रिप्ट कर दो, फिर उसके बाद मैं उसको बेस 64 में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, तीन स्टेप का काम है। बार प्लेन बाइट्स इन बाइट्स होगा, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, कोडिंग डॉट यूनिकोड डॉट गेट बाइट्स, किस चीज से गेट बाइट्स, प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के बाइट्स निकालो, उसको बाइट एरे में कन्वर्ट करो और मुझे प्लेन टेक्स्ट में करो, फिर अब मुझे साइफर टेक्स्ट चाहिए, और साइफर टेक्स्ट, अच्छा तो ये जो लाइब्रेरी ने इन टर्म्स ऑफ एरेज बात करती है, array of bytes, तो हम array की बात करेंगे और इसके अंदर से एक encrypt का method call करेंगे, RSA का encrypt का method है, इसके दो parameters हैं और भी होंगे overload, but हम क्या इसमें interested हैं, एक तो हम plain text bytes इसको दे दें जो कि हमारी string को उसने array में convert किया, दूसरा हम एक yes ये वाली चीज RSA padding वाली जो चीज है ना RSA encryption padding dot इसमें एक ऑप्शन है PKCS number one, ये अच्छा ये क्या है, तो इसका ताल्लुक इससे है, जिस तरीके से ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होता है, बेसिकली आपके पास एक की साइज होता है और एक ब्लॉक साइज होता है, तो एल्गोरिदम क्या करेगा, जो भी डेटा रिसीव होगा उसको एक फिक्स लेंथ ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा और एवरी ब्लॉक को एनक्रिप्ट करेगा, और फिर उन सारे ब्लॉक्स को जोड़ के आपको जो है ना वो साइफर टेक्स्ट दे देगा। अब मसला ये है कि आप जो टेक्स्ट देंगे जरूरी नहीं है कि वो ब्लॉक्स में फिट हो जाए, वो जो ब्लॉक साइज है आपका, ठीक है, तो आपको आखिर में कुछ खाली जगह जो है वो रह जाएगी, क्योंकि ये डिस्क्रीट ब्लॉक्स होंगे, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आखिर में आखिरी ब्लॉक फॉर एग्जांपल जो कुछ खाली रह जाए,
तो हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, हमने उसको पैड करना है ताकि नंबर वन, एक तो वो लेंथ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए उस ब्लॉक की, ठीक है। नंबर टू, जब हम पैड करेंगे ना तो उसमें हम रैंडमाइजेशन इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उससे ये होगा कि क्योंकि वो पैडिंग जो है वो रैंडम है, आखिरी के फॉर एग्जाम्पल 6 बाइट जो थे ना वो खाली थे, तो आपने क्या किया उसमें 6 बाइट्स के रैंडम बिट्स फिल कर दिए। अब जब आप एनक्रिप्ट करोगे ना तो ये एक फैक्टर और बन जाएगा इसको रैंडमाइज करने का। इसके जरिए क्या होगा कि हर दफा जब आप सेम प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करोगे ना, हर दफा उसमें एक नया सेट ऑफ पैडिंग लगेगा और उससे वो इनपुट भी रैंडमाइज हो जाएगा, विच मीन्स कि जो उसका आउटपुट है वो फर्दर रैंडमाइज हो जाएगा। तो सेम प्लेन टेक्स्ट को अगर आप बार बार भी एनक्रिप्ट करोगे ना तो हर दफा नया उसका एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, उसका एक नया साइफर टेक्स्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसके और बहुत से फायदे हैं पैडिंग को यूज करने के, और कौन सी पैडिंग यूज करें, तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप उसको देखें जरा कि किस केस में क्या अप्रोप्रिएट है, बट मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो PKCS1। ठीक है, ठीक, तो ये मैंने कर दिया उसको एनक्रिप्ट, मुझे मिल गई एक एरे। फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा, आप क्योंकि मुझे पीछे भेजना है मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू, मुझे जो है इसको Base64 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो इसकी जो खरीदो फरोख्त होगी ना इस डेटा की, वो Base64 इनकोडेड में होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी इनकोडिंग इसमें होंगी जो कि अगर आप एज इट इज स्ट्रिंग में भेजेंगे ना तो वो लूज हो जाएंगी, तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स और वो नॉन एस की जो बनती हैं वो फिर इससे कवर हो जाएगी। तो मैं इसको टू Base64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। किसी जमाने में ये कोड भी हमें खुद लिखना पड़ता था, बट बहुत अच्छे अच्छे मेथड आ गए जो कि आपको साइफर टेक्स्ट साइट को ये मुझे Base64 में कर देगा। और मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न इशू नाराज हो रहा है क्योंकि हमारा साइफर टेक्स्ट फाइल जो है ये तो इस स्कोप एंड डिफाइन हो रहा है, मैं इसको बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या करूं, ये करूं या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी करूं, स्ट्रिंग डॉट, ठीक है। तो हमने अब एनक्रिप्ट का मेथड बना लिया, अब इसको हम जो है ना वो बूटस्ट्रैप कर देते हैं, मैं जो हमारा मेन मेथड है उससे। तो मैंने क्या किया है, मैंने अब तक सो फार मैंने कीज जनरेट कर ली अपनी, ठीक है, और अब मुझे जो है एक इनपुट लेना है, कंसोल से ले लूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, कहूंगा कि भाई जो भी आ रहा है ना, जो भी यूजर ने इनपुट किया है उस पर स्ट्रिंग में डालो, और फिर इसको कर दो एनक्रिप्ट। RSA डॉट एनक्रिप्ट, इसको क्या चाहिए, इसको एक तो चाहिए, क्या चाहिए इसको, प्लेन टेक्स्ट चाहिए जो मैंने अभी इनपुट लिया है, उसको प्लेन टेक्स्ट पास कर दूंगा। दूसरा इसको चाहिए मेरी, जब मैं एनक्रिप्ट कर रहा हूँ तो मुझे पब्लिक की चाहिए एनक्रिप्ट करने के लिए, तो मैं यही वाली की जो भी मैंने जनरेट की थी इसी का पाथ मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि इस की को यूज करके एनक्रिप्ट कर दे। अच्छा, एनक्रिप्ट का मेथड हमारा मेरे ख्याल है, हाँ, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, ताकि हम देख सकें ये क्या बना रहा है। तो मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, सही, तो स्ट्रिंग खराब हो गया मेरा, और इसको प्रिंट भी करा देते हैं, राइट लाइन, ठीक है, और इसको रोक भी देते हैं। तो अब क्या करेगा, अब हमारा कोड जो है वो कीज जनरेट करेगा, उस कीज में से उसके बाद यूजर से इनपुट लेगा भाई मुझे क्या इनक्रिप्ट करना है, उसके बाद उसमें से पब्लिक की को यूज करते हुए उसको इनक्रिप्ट करेगा, मुझे उसका साइफर टेक्स्ट देगा। तो रन करें अगर, ये मेरा कंसोल इनपुट हो गया, ठीक है, मैं तो कहता हूँ क्या हो,
अब ये इसका इंक्रिप्शन, इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है, ये इसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, अब ये मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ, दूसरी पार्टी को भेज सकता हूँ। अब दूसरे ने क्या करना है, दूसरे के पास जिसको मैं भेज रहा हूँ वो अपनी प्राइवेट की लेगा और इस टेक्स्ट को, ये जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, इसको डिक्रिप्ट करेगा और प्लेन टेक्स्ट निकालेगा, ठीक है। और मेरे पास जिसको मैं भेज रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसकी पब्लिक की से इंक्रिप्ट करके उसको भेजा। अब हम एक डिक्रिप्ट का मेथड भी बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, उसी की मिसाल पे, ओ उसी को टाइप करें, ठीक है। मेरे पास एक और मेथड है, अब मैंने क्या बनाया, डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट को क्या चाहिए, डिक्रिप्ट भी जो है वो, अच्छा उसका नाम पहले सही करूँ, डिक्रिप्ट क्या करेगा, अगेन वो साइफर टेक्स्ट इनपुट लेगा और कौन सी की लेगा, प्राइवेट की इनपुट लेगा और जवाब में प्लेन टेक्स्ट निकाल के देगा, ठीक है। तो मैंने जो है वो मेथड जो मैंने छापा था उसको मैंने प्लेन टेक्स्ट कर दिया। उसके अंदर मैंने फिर मैंने आर एस ए, जब मैंने इनिशलाइज किया आर एस ए का ऑब्जेक्ट, तो मैंने उसको इस दफा क्या दिया, मैंने उसको प्राइवेट की, बाकी चीज जो है ना वो लाइब्रेरी और कोड जो है वो संभाल लेगा कि ये प्राइवेट की थी, ये पब्लिक की थी, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने ये काम किया, फिर मैंने अगेन जो मुझे साइफर टेक्स्ट जो साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट जो मैंने रिसीव किया वो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने उसको Base64 एनकोड करके भेजा था, राइट। अब मुझे इसको डिकोड करना चाहिए, मैं करूंगा साइफर टेक्स्ट इन बाइट्स इज बेसिकली, डायरी कर रहा हूँ बट समझ जाएगा। कन्वर्ट टू Base64 स्ट्रिंग किया मैंने किसको, साइफर टेक्स्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने भेजा साइबर टेक्स को, मैंने कहा कि अच्छा अब मैं आरएसए के पास गया, मैंने कहा कि अच्छा अब डिक्रिप्ट करना है, उसके अंदर डिक्रिप्ट का मेथड बना हुआ है, डिक्रिप्ट को मैंने क्या पास करना है, जो चीज मैंने डिक्रिप्ट करनी है वो डालूंगा, ठीक है, विच इज साइफर टेक्स इन बाइट्स एंड पैडिंग। तो जिस पैडिंग से मैंने इसको एनक्रिप्ट करते वक्त पैड किया था वही पैडिंग मुझे डिक्रिप्ट करते वक्त बताना होगा, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी। अगेन ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये मैं बता भी दूंगा तो कोई मसला नहीं, कि मैं बता रहा हूँ ये मेरी पब्लिक की है और मैं ये पैडिंग एल्गोरिथम यूज करता हूँ, जब आप मैसेज भेजें तो मुझे ये इस्तेमाल करके भेजें, ठीक है। तो ये इसमें कोई मसला नहीं, क्या तकलीफ हो रही है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट मैंने रिसीव किया जो बाइट्स में लगभग, तो ये क्यों बोल रहे हैं, रिटर्न मुझे जो है वो प्लेन टेक्स्ट करना है, ये वाला स्टेप रहेगा, सॉरी वो मुझे प्लेन टेक्स्ट में करना है, तो मुझे इसको वापस इंपोर्ट करता हूँ। पास क्या है, इंपोर्टिंग डॉट, सॉरी डी कोड करना होगा, कोडिंग डॉट यूनिकोड डॉट गेट स्ट्रिंग करूंगा, प्लेन टेक्स्ट के जो बाइट्स निकले ना प्लेन टेक्स्ट के बाइट्स, तो जो मुझे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट मिला था मैंने इस मेथड को पास किया, उसके बाद मैंने उसको Base64 से, सॉरी टू इज रॉन्ग,
कॉपी पेस्ट करने का नुकसान, ठीक है। तो मुझे मुझे बेस 64 में मिल रहा है, तो बेस 64 से मुझे वापस जो है वो नॉर्मल इंकोडिंग में लाना है, जो कि मुझे बाइट्स देगा। उन बाइट्स को मैं आरएसए को दूंगा डिक्रिप्ट करने के लिए, साथ में पैडिंग दूंगा, वो मुझे डिक्रिप्ट करने के बाद प्लेन टेक्स्ट को एज बाइट एरे देगा। उस एरे को फिर मैं अगेन एनकोड करके एज स्ट्रिंग में रिटर्न कर दूंगा, बोलूंगा ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है और इसको यूज कर। तो अब इसको मैं कहाँ से कॉल करूंगा, अगेन अपने मेन मेथड पे कॉल करूंगा, मैं कहूंगा कि जी मेरा करंट टेक्स्ट क्या है, रिटर्न प्लेन टेक्स्ट क्या चीज है, RSA डॉट डिक्रिप्ट। तो क्या चाहिए, क्या मिल मुझे, क्या डिक्रिप्ट करना है, मुझे साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट करना है। साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट कर दिया, और मुझे की कौन सी यूज करनी है, प्राइवेट की बाय नेम इज ये प्राइवेट, ठीक है। डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा सोल्ड डॉट। क्या प्रिंट कराना है मुझे, जो रिटर्न प्लेन टेक्स्ट है इसको बहुत कम लाइनों में बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं ये, बट डेमो के खाते में ऐसा चीज आपको करके दिखा, ठीक है। तो हमने लूप कंप्लीट कर लिया, हमने हमने कीज जनरेट की, हमने पब्लिक की यूज करके डेटा को एनक्रिप्ट किया, हमने अब हम प्राइवेट की को यूज करके उसी को डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं, देखिए क्या निकलता। हेलो अदर साइड, ठीक है, ये मेरा साइफर टेक्स्ट निकला, ठीक है, और फिर ये मेरा ये जो आ रहा है ये मेरा प्लेन टेक्स्ट मैंने प्रिंट कराया। तो इसी चीज को उसने पब्लिक की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके ये टेक्स्ट निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लूप कंप्लीट कर लिया। अब अगर ये हम स्टैटिक मेथड ना यूज कर रहे होते, हम इफेमरल यूज कर रहे होते, तो हम हर सेशन के लिए की जनरेट करते हर, तो वही वही फाइल यूज नहीं करते, हम मेमोरी में रखते हैं उसको, ठीक है। अगली दफा नया की, एक्चुअली इस वक्त भी नया की पेयर जनरेट हो रहा है, ठीक है, जब भी मैं रन करता हूँ ये होता है, बट आइडिया ये है कि क्योंकि ये फाइल से रीड कर रहा है, तो मैं जो भी फाइल दूंगा से ये वहां से रीड करेगा और वो स्टोर्ड की को यूज करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेगा, ठीक है। तो उसका एक एक क्विक ओवरव्यू कर लें, जो कोड हमने अभी लिखा है। तो जब हमने कोड लिखा तो हमें कुछ डिसीशन लेने पड़े। नंबर 1, की साइज क्या रखना है, और ये पहले से एग्रीड अपॉन और पब्लिश होती है चीज कि भाई हम जो ये करेंगे सिस्टम में इंक्रिप्शन, ये इस की साइज पे करेंगे, ठीक है, और जो हमसे कम्युनिकेट करेगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे अपने कोड में भी लिखी है। इसको आप चाहें तो आप इसको कन्फिगरेबल बना सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाएगा, और अगर लाइब्रेरी सपोर्ट करती है तो वो कर लेगी, ठीक है। दूसरी चीज, की किस तरीके से इनकोड हो रही है, जैसे मैंने कहा PEM जो है वो स्टैंडर्ड है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, वेब फ्रेंडली है, तो आप PEM करें, बट XML में भी होता है। तो XML में अगर आप इसका स्पोर्ट निकालेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये मेरा पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूलस है, और ये मेरा एक्सपोनेंट है, और ये मेरा क्यू है, मेरा डी है, वो सब चीजें उस तरीके से ऑर्गेनाइज करके दिखाएंगे, ठीक है। की को स्टोर कैसे करना है, हमने फाइल पे सेव किया, बट अनलेस ये लोकेशन बहुत ही सिक्योर नहीं है, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर आप वेब वेब एप्लीकेशन वेब सर्विस में इसको यूज कर रहे हैं, तो आप किसी ऐसे फोल्डर में ऐसे डालेंगे जो कि सिर्फ एडमिन के एक्सेस में होगा, जो कि बाहर से जो ना राउटिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजों का ख्याल रखना होगा, FTP में खुला तो नहीं रह गया वगैरह वगैरह, ठीक है। जो और सोफिस्टिकेटेड तरीका का आ रहा है वो ये है कि आपके पास एक सर्वर होगा, उससे आपकी एक्सचेंज करके फिर आप ये की निकालेंगे और उसको यूज करेंगे और मेमोरी में रख के काम करेंगे। मेमोरी में रहना भी की का जो है ना वो 100% सिक्योर नहीं होता है। लोग आजकल ये बात करते हैं कि अगर आपने मेमोरी में वेरिएबल इनिशियलाइज किया था और वो सही से क्लीन अप नहीं हुआ और वो ऑब्फस्केट नहीं हुआ, तो मेमोरी में वो रह जाती है की। और कुछ बहुत ही अजीम चीते लोग हैं जो मेमोरी को एनालाइज करके उसमें से की या की के फ्रेगमेंट्स निकाल सकते हैं और उससे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर चीज का हल एनक्रिप्शन नहीं है, इस
इनक्रिप्शन यूज करेंगे तो आपके 6 मसले और निकलेंगे जिसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद पैडिंग, पैडिंग PKCS1 हमने यूज की थी, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। अगेन जो आप यूज करेंगे वो आप पब्लिश करेंगे ताकि जो आपको भेज रहा है एनक्रिप्टेड टेक्स्ट वो उसको पता हो क्या यूज करना है, वरना हम उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जनाब, तो हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई की जनरेशन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और उसके जो लवाजमात थे कि जी एनकोडिंग करनी है मुझे, मुझे पैडिंग करनी है वगैरह वगैरह, वो सब हमने कर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बेयरबोन एनक्रिप्शन आपके पास मौजूद है। ऑब्वियसली इसमें इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, इसमें लॉगिंग होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए।